आइए नाज़रीन, आज हम आपको आलूओं वाले चावल बनाने की रेसिपी देते हैं जिसकी के फरमाइश गाहे गाहे हमको व्यूअर्स की तरफ से आती रही। इसके लिए हमें चंद एक अशिया की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले तो बासमती राइस हैं बेहतरीन क्वालिटी के, जो कि हमने पानी में भिगो रखे हैं और 1 कप हैं। और फिर क्यूमिन सीड्स हैं, सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 टीस्पून जो है 5 ml का ये हमने फुल लिया है इसका। अब हमने सॉल्ट लिया है 3/4 टीस्पून, 1 स्मॉल टू मीडियम साइज़ का हमको अनियन चाहिए होगा, 2 मीडियम साइज़ के हमको पोटैटोस चाहिए होंगे। सबसे पहले हम जो है वो अपने पोटैटोस को पील कर लेंगे और इस तरह से उनमें कट लगाकर उनकी क्यूब्स काट लेंगे। ये जो पोटैटोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये इतने ग्रीन नहीं हैं जितने के फिल्म में दिखाई देते हैं, तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और ये जो क्वींसलैंड का सन है वो इनको एक ही रोज़ में अगर ये बाहर रखे हों तो ग्रीन कर देता है। अब हम पकाना शुरू करते हैं। पॉट को स्टोव पर रख के हमने उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया है, जो कि हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हमने ये जो अनियन है ये स्लाइस कर लिया है। लार्ज साइज़ का आपने नहीं लेना, वरना आपके चावल जो हैं वो मीठे हो जाएंगे। इस सीज़न के जो अनियंस हैं, जब आप उनको बीच में से काटें तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनको हमने जो है वो ब्राउन कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें हमने अब क्यूमिन सीड्स और सॉल्ट डाल देना है। ये थोड़ा सा हिलाकर आपने इसमें पोटैटोस जो काटे हुए थे वो डाल देने हैं और इसको फिर थोड़ा सा हिला लेना है, बिल्कुल ज़रा सा ही, कोई 30 सेकंड्स के लिए ही। इनको पकाना हमारा मकसद नहीं है। अब हमने इसमें 1¾ कप जो है वो पानी का डाल देना है। जो लोग स्टोव पर राइस बनाते हैं वो अपने हिसाब से इसमें पानी डालें, चूँकि हमने कभी इनको पॉट में नहीं बनाया तो हमको अंदाज़ा नहीं है कि चूल्हे पर पकाने से आपको कितने पानी की ज़रूरत होगी। अब ये जो पोटैटोज़ तैयार हुए हैं इसको हमने राइस कुकर में डाल देना है। और चावल जो हैं वो हमने भिगो कर रखे हुए थे, जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया, वो हमने राइस कुकर में ऐड कर देने हैं। और थोड़ा सा राइस कुकर को हिलाकर हमने कवर कर देना है। एक दिन हम शॉपिंग गए तो ये जो दुकान वालों ने अपनी फालतू चीज़ें रखी होती हैं उसमें ये राइस कुकर भी रखा हुआ था $5 का, तो हम ले आए कि किसी को देने लेने के काम आता है। उन्हीं दिनों हमारा राइस कुकर ख़राब हुआ, तो ये जब से हमारा राइस कुकर $5 वाला जो है चल रहा है, बरसों से ये हमारे इस्तेमाल में है और इसने हमारा बड़ा ही साथ दिया है। राइस कुकर जो है वो आजकल हर घर की ज़रूरत है और इससे पकाना जो है वो बहुत बेहतर भी हो जाता है और बहुत आसान भी हो जाता है। ये हमारे चावल जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। ये जो आलूओं वाले चावल हैं ये अमूमन हमारे माशरे में बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, अमूमन घरों में बनते हैं, और लेकिन हमारे घर में ये कभी नहीं बने, शायद इसलिए कि हमको पर्सनली ये इतने पसंद नहीं हैं। तो ट्राई कीजिए, अपनी अपनी पसंद होती है, खुदा करे कि आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।